हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता और आप लोगों का सेवन स्टार किचन पर स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इसका जो टेस्ट आता है वो एकदम मार्केट वाला आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाकर इसे हम साइड में रखेंगे। तो अब हम बटर स्कॉच क्रंच बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच काजू कट करके ले लिया है और 2 चम्मच बादाम ले लिया है। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैन ले लिया है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है ताकि हमारा जो पैन है वो गर्म हो जाए। और इसमें अब हम डालेंगे 5 चम्मच चीनी। ये नॉर्मल जो घर वाला चम्मच है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर कप से देखा जाए तो ये लगभग 1/4 कप चीनी होगी। अब इस चीनी को हम पैन में फैला देंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसे हमें मेल्ट करना है, इसमें कोई भी और चीज़ नहीं मिलानी है। पानी तो इसमें बिल्कुल भी ना मिलाएं। इसे हमें इसी तरीके से मेल्ट करना है। तो अभी मैं लगभग 1-2 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम ही रखूँगी। जब ये चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो ये देखिए, चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक चीनी पूरी तरीके से पिघल ना जाए। चीनी को हम चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो तले में चिपके नहीं। अगर इसे आप थोड़ा सा जल्दी मेल्ट करना चाहते हैं तो बीच बीच में इसे आप मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप मीडियम फ्लेम पर मत रखिएगा, नहीं तो ये जल जाता है। अब जो चीनी है वो ऑलमोस्ट पिघल चुकी है, तो इस स्टेज में फ्लेम को एकदम लो रखना है। ये देखिए, हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच बटर डाल देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। बटर और शुगर अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो फ्लेम को हमें बंद करना है। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर काजू बादाम इसमें मिक्स कर रही हूँ। आप इसमें काजू बादाम की जगह मूंगफली के दाने भी यूज़ कर सकते हैं ये क्रंच बनाने के लिए। ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स करते ही इस मिक्स को हम प्लेट पर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये हम ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो इसे हमें प्लेट पर सेट करना है। हल्का सा फैला लेंगे इस तरीके से। अब इस क्रंच को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डिमोल्ड करेंगे प्लेट में से, तक कि हमारा बटर स्कॉच क्रंच जो है वो ठंडा हो रहा है, हम बाकी की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी गर्मी का समय है ताकि एकदम ठंडा हो जाए, ताकि जो हमारी क्रीम है उसे हम अच्छे से व्हिप कर सकें। अब मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम क्रीम ले ली है, ये हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर कप से देखा जाए तो ये लगभग 1 कप है। यहाँ पे मैंने एक थाली में थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी ले ली हैं ताकि जो टेम्परेचर है नीचे का वो थोड़ा ठंडा सा रहे। और अब हमारी जो क्रीम है इसे हम व्हिप करेंगे। तो पहले 10 से 20 सेकंड मैं इसे लो स्पीड पर व्हिप करूँगी और उसके बाद मैं इसे हाई स्पीड पर करूँगी। क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करना है। इसे व्हिप करने में मुझे लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। क्रीम में अब सॉफ्ट पीक आ गई है तो बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये एक्चुअली मैंने मिश्री ली है, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी पीस कर ले सकते हैं। मिश्री का जब भी आप यूज़ करें तो हमेशा धागे वाली मिश्री का ही यूज़ करें, क्योंकि जो नॉर्मल मिश्री होती है जो धागे वाली नहीं होती है वो एक चीनी का ही प्रकार होता है। बस चीनी थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में दी जाती है। इसके साथ ही इसमें मैं 1 पिंच येल्लो फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि जो मार्केट में हमें बटर स्कॉच आइसक्रीम मिलती है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है। तो इसे हम एकदम मार्केट वाला लुक देने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं लगभग 1 चम्मच बटर स्कॉच एसेंस, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एकदम मार्केट वाला आए।
बटर स्कॉच एसेंस के साथ ही इसमें मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, चिल्ड दूध लें वो भी अच्छा रहेगा। अब दूध को भी हम मिक्स कर देंगे। दूध की जगह आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो चीनी मत डालिएगा, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क होता है वो भी मीठा होता है। यानी इसमें मैंने जो 3 चम्मच पिसी हुई चीनी या मिश्री डाली है वो मत डालिएगा। अब हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। अब हमारा जो ये बटर स्कॉच था ये भी ठंडा हो गया है, तो इसे प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा क्रश करना है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिंग रैप लगा लिया है और इसे मैं इस तरीके से क्रश कर लूँगी। इसे जिप लॉक बैग में डालकर भी क्रश कर सकते हैं। तो बटर स्कॉच क्रंच हमारा तैयार है, इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आइसक्रीम को रखे हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। थोड़ा सा क्रंच अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे गार्निश करने के लिए। अगर आप ये बटर स्कॉच क्रंच घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो ये मार्केट से बना बनाया भी मिलता है, डायरेक्टली आप मार्केट से लाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम हमारी मिक्स हो गई है, तो चलिए अब इसे हम एक टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो मेरा टिफ़िन है ये लगभग 1.5 लीटर का है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 लीटर आइसक्रीम हमारी तैयार बनी है। अब इसे हम हल्का सा टैप कर लेंगे। इसे हम ऊपर से भी थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिंग रैप से इसे कवर करने वाली हूँ ताकि इसमें आइस ना जमे टॉप पर। आप इसमें क्लिंग रैप की जगह बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर दूध की थैली लगा सकते हैं या फिर सिल्वर फॉयल भी लगा सकते हैं। तो क्लिंग रैप मैंने इस पर लगा दिया है, अब हम इसे ढक्कन लगा देते हैं और अब आइसक्रीम को हम लगभग 12 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। आइसक्रीम को फ्रिज में रखे हुए मुझे 12 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम अब हमारी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, परफेक्टली हमारी जो क्रीम है ये सेट हुई है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसमें जो स्कूप है वो कितनी आसानी से घुस रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और एकदम मार्केट जैसी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसका टेक्सचर भी एकदम मार्केट वाला आया है। घर पे जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है, प्लस इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होते, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है बाहर वाली आइसक्रीम के कंपेरिजन में। इसे ऊपर से भी हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। सो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।